इंसान ने आज तक इतना गहरा गड्ढा खोदा होगा क्या आप जानते हैं? नहीं, अपने लिए नहीं, धरती के नीचे की बात कर रहा हूं। चलिए आज ये भी जान लेते हैं, इंसान द्वारा आज तक खोदे गए सबसे गहरे गड्ढे का नाम है कोला सुपर डीप बोरहोल, जिसे 1965 में रशिया द्वारा खोदा गया था, क्योंकि वो धरती में छिपे हुए रहस्यों को जानना चाहते थे। इसकी गहराई 12 किलोमीटर है, लेकिन इससे ज्यादा वो खोद ही नहीं पाए, क्योंकि हर 32 मीटर की गहराई में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाता है, और 12 किलोमीटर तक जाते जाते टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मशीनों ने काम ही करना बंद कर दिया था। इससे भी रहस्यमय बात यह है कि 1995 में रशिया ने इस होल को पूरी तरीके से सील कर दिया था और अब वहां पर कोई भी नहीं जा सकता। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इंसान सोच से गरीब होता है, पैसों से नहीं। तो एक गरीब सोच किसे कहते हैं? एक गरीब सोच का पिता अपने बच्चों को क्या सिखाता है, जरा ध्यान से सुनेगा। सबसे पहला, स्कूल जाओ, अच्छे ग्रेड्स लाओ। दूसरा, उसके बाद सेफ और सिक्योर जॉब ढूंढ लो। तीसरा, पैसे के लिए काम करो। चौथा, मेहनत करो और पैसा बचाओ। पांचवा, जब भी कोई चीज खरीदो मोल भाव जरूर करो, शायद उससे पैसा बच जाए। छठा, ऐसी चीज मत खरीदो जो अफोर्ड ना कर सको। सातवां, इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा रिस्की है। आठवां, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए असेट है, उसे जरूर बनाओ। नौवां, अमीर लोग बहुत लालची होते हैं। दसवां, हद से ज्यादा पैसा ठीक बात नहीं है। तो ये है गरीब सोच। अब अमीर सोच किसे कहते हैं? एक अमीर सोच का पिता अपने बच्चों को क्या सिखाता है, ये हम अगली वीडियो में देखेंगे। एक माँ अपने बच्चों का पेट पालने के लिए कुछ भी कर सकती है, ऐसी ही एक माँ की कहानी आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जिनका नाम है संध्या मारावी। गाइस, संध्या मारावी के पति का 2016 में देहांत हो गया था। उनके टोटल 3 बच्चे हैं और उन्हीं 3 बच्चों का पेट पालने के लिए संध्या डेली 45 किलोमीटर ट्रैवल करके कातनी जंक्शन पहुंचती हैं और वहां पर जो ये काम करती हैं वो सुन के आप लोग हैरान रह जाएंगे। संध्या वहां पर कूली का काम करती हैं। सामाजिक बेड़ियों को तोड़ने वाली संध्या इंडिया की पहली महिला कूली हैं और इस तरह से वो अपने बच्चों का पेट पालती हैं। गाइस, ये बहुत ही बड़ी बात है और A2 फैमिली की तरफ से संध्या को दिल से सलाम। अगर आपको अपने बिजनेस को अच्छे से एस्टेब्लिश करना है और उसे 6 फिगर तक कमाना है तो आपको 3-year rule को ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए, ऐसा कहते हैं कि किसी भी बिजनेस को एस्टेब्लिश करने के लिए कम से कम 1000 दिन यानी कि लगभग 3 साल के करीब लगते हैं, जिसमें पहले साल आपको खूब सारी बुक्स पढ़नी चाहिए और फिर अपने बिजनेस के आइडिया के बारे में सोचना चाहिए और एक फील्ड को डिसाइड करना चाहिए और उससे रिलेटेड स्किल को सीखना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे स्किल इज इक्वल टू मनी। फिर दूसरे साल काम पे लग जाइए, हार्डवर्क कीजिए, अपने बिजनेस का बेस तैयार करिए और अपनी पहली सेल के लिए जी जान लगा दीजिए। प्रॉफिट की परवाह मत करिएगा। और तीसरे साल, दूसरे साल में जो भी आपने गलतियां करी उसको तीसरे साल में आपको क्या करना है, उसको तीसरे साल में फिल्टर करना है, अपने फंडामेंटल्स को और स्ट्रॉन्ग करना है। और अगर आपने 3 साल सरवाइव कर लिया तो चौथे साल आप 6 फिगर तक कमा जाओगे, यह मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूं। गाइस, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।